एकदम फीका। बहुत मस्त। अरे बस बस मैम। सर क्यों? नहीं नहीं सर, खाइए ना, आपको खाना बेस्वाद लगा था। ये आपको एकदम, ये आपको एकदम दाम मिर्ची की तरह तीखा लगा। तीखा क्या हुआ सर? सर फिर से बेस्वाद लगा। रुकिए और डाल फोन आया मेरा कमिश्नर साहब। इनके खाने को बेस्वाद बोला क्योंकि मुझे दो अच्छा लगा था खाना, बट मैं चाहता था कि ये इरिटेट हो और इरिटेट होने के बाद थोड़ा चिढ़े और उसके बाद फिर मुस्कुराएंगी, जो कि सीन में बाद में हो रहा है, मुस्कुरा रही हैं, तो वो देख के मुझे अच्छा लगेगा। आपसे जानना चाहेंगे क्यों इतनी मिर्ची पे मिर्ची खिलाई जा रही है? मुझे कोई चाहिए था आज सुबह से जिसके ऊपर मैं अपना पूरा गुस्सा निकालूँ, तो नील ने गलत टाइम पे बोल दिया कि उसे तीखा बड़ा अच्छा लगता है, तो अब मैंने सोचा क्यों ना आज इसे तीखा ही खिलाया जाए, अपनी उसकी जो ख्वाहिश है ये पूरी की जाए। सर आपसे जानना चाहिए मतलब क्या, मतलब तीखा खाने का रीज़न क्या था आपका, मतलब इनको खुश करने के लिए बेसिकली वही एक रीज़न था, जो कि इनके चेहरे पे एक हंसी मैं देखने को मिले मुझे, क्योंकि 6 महीने हो गए थे ये कभी हंसी नहीं थी, क्योंकि हमारे शो ने 6 महीने का लीप लिया, तो 6 महीने बाद ये हंसेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना यार, इसलिए। मैम आप अपने नए लुक को कितना एंजॉय कर रही हैं? बहुत आई थिंक ये बहुत ही कंफर्टेबल है, तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि नील के यूनिफॉर्म से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है।